नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल थापक जीवक्ति में। दोस्तों आज हम आपको श्री पंडोकर सरकार मंदिर के दर्शन कराने आए हुए हैं, जो कि पंडोकर धाम में जिला दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जैसे कि हमें हर मंदिर के बाहर प्रसाद एवं नाश्ता पानी की दुकानें देखने को मिलती हैं, जो यहाँ भी हैं। साथ में यहाँ भक्तों की भीड़ भी देख रहे हैं और मंदिर का जो निर्माण कार्य है जो तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों अब आप दर्शन भी करते चलें, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ आने के लिए कैसे कौन सा मार्ग पकड़ना है और ये कौन सी जगह पे है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैं इसकी लोकेशन है जो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग देख नहीं पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं लोकेशन इसकी गूगल मैप पर। दोस्तों ये मंदिर में हम दर्शन कराते कराते आपको बताएंगे कि यहाँ इस जगह आने के लिए, इस मंदिर पे आने के लिए हमें किस रास्ते से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप भक्तों को देख ही रहे हैं, साथ में आप श्री पंडोकर सरकार के भी दर्शन कराते हैं हम, फिर आपको बताएंगे कि कितनी दूरी कहाँ से तय करनी है हमें। दर्शन करिए, हम बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे आपको। जय श्री पंडोकर सरकार। दोस्तों अगर आप रेल द्वारा आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ग्वालियर, झांसी या दतिया आएंगे। तो ग्वालियर से इसकी दूरी मंदिर की 95 से 98 किलोमीटर दूर है, और अगर झांसी आते हैं तो आपको करीब 72 से 75 किलोमीटर, जो कि आपके लिए वहाँ बस और कार, टेम्पू वगैरह सब उपलब्ध हैं। और निकटतम जो रेल मार्ग है वो 51 किलोमीटर दतिया में है, जहाँ से करीब 50-51 किलोमीटर की रास्ता है, जो कि बसें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं कुछ लोग भिंड से भी हैं तो भिंड वाले हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जो यूपी साइड से आते हैं वो भिंड से भी आते हैं कार से अपनी से। वहीं अगर कोई लार से आ रहा है तो वो 42-45 किलोमीटर दूरी तय करके आएगा। और पास में भांडेर भी है जो दतिया से और पंडोकर सरकार के बीच में पड़ती है, जो 20 किलोमीटर दूर है। कोई भी सामान खरीदना या फिर कुछ लेन देन के लिए भांडेर का निकटतम बाज़ार पंडोकर सरकार में उपस्थित है। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, यहाँ बैंक और एटीएम की व्यवस्था नहीं है, तो आप अगर आ रहे हैं तो पैसे नगद ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ फ़ोनपे और उसके नाश्ता तो कर सकते हैं आप, परंतु मंदिर में कहीं भी जो दान राशि देनी है वहाँ फ़ोनपे काम नहीं करेगा आपको। हमारे जो महाराज जी हैं, भक्त बाकायदा अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों ज़्यादातर भक्तों के लिए 5 अमावस्या करना अनिवार्य रहता है, तो हमें अमावस्या पे बहुत भीड़ देखने को मिलती है और लोगों के काम भी यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। त्रिकालदर्शी महाराज श्री गुरुशरण जी की कृपा, साथ में पंडोकर सरकार जी की कृपा, साथ में हाथीवान महाराज जी की जो कृपा है उससे बहुत लोगों का भला हो रहा है। यहाँ पर विदेशों तक के लोग दर्शन भी कर रहे हैं और अपनी समस्या का भी समाधान पा रहे हैं। एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए आप भक्त कितने अपने जप माला जप में कितने लीन है, कोई उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती उनको बिठाया जा रहा होगा। देखिए वो अपने फुल श्रद्धा से भजन कर रहे हैं और उनके काम भी यहाँ बनते हैं। आगे हम वीडियो जब लाएंगे तो उनमें जो भक्त संतुष्ट हैं भगवान से, उन पर कृपा हुई है, कितनी परेशानी थी, उनके भी इंटरव्यू लाएंगे। साथ में आपको जे भी ऐसे भक्तों से भी मिलाएंगे जिनका काम यहाँ बन चुका है। देखिए भक्त कैसे अपने पाठ में लगे हुए हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल आनंदमय भक्तिमय जीवन यहाँ जो लोग आते हैं अपना निकालते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, श्रद्धा भाव फुल देखने को हमें मिलता है। आगे हम आपको पंडोकर धाम का जो बड़ा मंदिर बनना है
और उधर जो हाथीमान महाराज जी का मंदिर है वो भी दिखाएंगे हम। और इस चैनल में आपको ज़्यादातर पंडोके सरकार की सारी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। देखिए पूजा में कितने लोग उपस्थित होते हैं, सुबह से शाम तक हजारों भक्त आते हैं। और यह मेला करीब हमें अमावस्या के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भीड़। जय श्री पंडोकर सरकार। हमारे चैनल पे देख रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, आप उन पर कृपा करें जिससे वो भी आपके दर्शन के लिए आए। तो हमने आपको बताया था, एक बार पुनः हम आपको याद दिलाएंगे कि आप गूगल मैप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, और जो मेरी वीडियो पंडोके सरकार से संबंधित है उनकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ये हमारे कारसदेव जी हैं, कारसदेव जी महाराज। यहाँ पर मान्यता है, जो हमारा जो नीम का वृक्ष है, इस पर जो लोग महाराज जी से नहीं मिल पाते हैं वो अपनी अर्जी यहाँ लगाते हैं, और जो कलावा जो बांधा जाता है वो जब चेंज करते हैं तो यहाँ अपनी यहीं वो निकालते हैं और नया कलावा तभी धारण करते हैं। रक्षा सूत्र बोलते हैं जिसको। इसमें जो पर्चियाँ हैं ये उन लोगों की हैं जो गुरुजी के सामने कम समय या फिर ना मिल पाने के कारण या फिर उन्हें उस समय याद नहीं रही, कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे जो नहीं कह पाए, वो अर्जी वो यहाँ पर लगाते हैं और ये मान्यता है कि उनका काम हो जाता है, साथ में उनके दिल की बात गुरुजी तक भी पहुंच जाती है। हम पंडोका सरकार की आपको पूरी वीडियो ऐसे ही दिखाते रहेंगे। हम भी हर महीने दर्शन करने जाते हैं, और हम दर्शन करेंगे तो आपको भी दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पर हमें भक्त देख बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रसाद माला वगैरह नारियल वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएंगे। रहने की खाने की सब व्यवस्थाएं एकदम आपको अच्छी देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी परेशानी की बात ही नहीं है। तो चलो हम चलते हैं, आपको आएंगे और भी पंडोका सरकार के साथ साथ और भी धार्मिक स्थलों की वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आपसे आग्रह है कि ऐसी भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, साथ ही अपने उन लोगों को ये वीडियो भेजें जो धार्मिक हैं, क्योंकि हम धार्मिक वीडियो बनाते हैं जिसमें रामायण भागवत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन वगैरह इनकी वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आगे हम पंडोका सरकार की और भी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। जय श्री पंडोका सरकार। आप भी आएँ और चैनल पे बताएं भी कि हमने आपकी वीडियो देखी और हमने वीडियो आपको बनाई है तो आपको कैसी लगी, ये भी बताएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री पंडोका सरकार।